शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी सुरेश कृष्ण राव पाटिल बुलेट पाटिल की पदयात्रा जोरों पर। अगर 2007 में मैं आजाद चुनाव लड़ा ना, मेरा मतदार संघ मुस्लिम बांधव था, सब मुस्लिम बांधव ने मुझे जिता के दिया ना। आज भी मेरे को मुस्लिम बांधव, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन समा धर्म संभव सब लोग बोलेंगे और मुझे एक मौका देंगे। सबको मालूम है कि एक ही है, एक ही स्थानिक है, वो सबके काम पे आ सकता है, उसका नाम है बुलेट पाटिल, तो मैं ही जीतूंगा। यानी कहीं ना कहीं बुलेट पाटिल एक चर्चित चेहरा। तो बुलेट पाटिल चर्चित ही चेहरा है, इसलिए मैं मुझे मालूम है ना, इसलिए मैं कौन सा ही भाषिक लोग रहने दो, वो सबसे मैं मेरा संबंध है और सब मुझे पहचानते, सबको मालूम है एक ही आदमी है, भले कौन सा ही पार्टी का रहने दो, आज तक का इतिहास है, जो भी पार्टी का आदमी रहेगा उसका जब काम होता नहीं तो वो मेरे पास आता है, मैं उसका काम करके देता हूँ। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा के एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी सुरेश कृष्ण राव पाटिल बुलेट पाटिल तीर धनुष चुनाव चिन्ह लेकर चुनावी मैदान में उतरे। सुरेश कृष्ण राव पाटिल बुलेट पाटिल को स्थानीय पूर्व नगर सेवक होने के कारण जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने साठे नगर में पद यात्रा की जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मानखुर्द शिवाजी नगर से महायुति यानी एकनाथ शिंदे गुट से प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहे हैं बुलेट पाटिल। हम आपको बताना चाहेंगे, बुलेट पाटिल ने जब से नामांकन किया है एक शिवसेना यानी शिवसैनिकों में एक जलवा सा बिखरा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तमाम यहाँ महिलाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं जो कि कुछ ही क्षणों में बुलेट पाटिल यहाँ आने वाले हैं। ये साठे नगर का इलाका है और बुलेट पाटिल यहाँ आने वाले हैं। तमाम महिलाएं यहाँ प्रतीक्षा करते हुए नज़र आ रही है एक शिवसैनिक का यानी बुलेट पाटिल का। सुरेश कृष्णराव पाटिल उर्फ बुलेट पाटिल के नाम से प्रसिद्ध हैं बुलेट पाटिल, पूर्व नगर सेवक भी रहे हैं इन इलाकों में और काफ़ी अच्छी पहचान रही है। एक दबदबा सा रहा है बुलेट पाटिल का, जहाँ तक कि देखा जाता है एक प्रभाव सा रहा है बुलेट पाटिल का। वहीं आज चुनावी जंग में उतरे हैं बुलेट पाटिल और तमाम महिलाएं यहाँ स्वागत करने के लिए, यानी कहा जाए स्वागत स्वागत किया जाएगा कुछ ही क्षणों के बाद बुलेट पाटिल का। एक स्थानिक होने के नाते बुलेट पाटिल का एक दबदबा सा रहा है इन इलाकों में और पूर्व नगर सेवक के रूप में उन्होंने यहाँ अपनी एक छवि बनाई है, एक अपनी पहचान बनाई है। हालांकि फिलहाल तमाम महिलाएं स्वागत में इच्छुक हैं बुलेट पाटिल के। पहली बार विधानसभा चुनाव में यानी मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बुलेट पाटिल, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, महायुति में एक प्रत्याशी के रूप में महायुति ने अगर भेजा है तो बुलेट पाटिल को भेजा है एकनाथ शिंदे गुट से। ये यहाँ के, अगर यहाँ के चुनावी क्षेत्रों की बात करें, रणनीति की बात करें, तो लगातार जो है एक अपना छाप छोड़ा है बुलेट पाटिल ने एक नगर सेवक के रूप में रहते हुए। सर, क्या स्थिति है, किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है आप? प्रतिसाद सबसे पहला अपने चैनल को शुभेच्छा, युति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने मुझे आदेश दिया तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत समस्या है, पहले के जो भी सरकार में बैठे या आमदार साहब बैठे, उन्होंने हमारे विभाग के उधर ध्यान नहीं दिया, विकास के उधर ध्यान नहीं दिया, तब मैं विकास के तरफ जो भी रहेगा वो मैं काम करूँगा। नहीं, महायुति से दो दो प्रत्याशी नजर आ रहे हैं इस चुनावी मैदान में, क्या कहना है? नहीं, वो प्रत्याशी मैं पहला फॉर्म भरा है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने युति के माध्यम से, युति आरपीआई ने कबूल किया, सबने कबूल किया कि हमारा उम्मीदवार बुलेट पाटिल है, तो वो माध्यम से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पूर्व में आप यहाँ इस इलाके में नगर सेवक के रूप में भी आप रहे हैं और क्या देखते हैं इस चुनाव को, किस तरीके से देखते हैं यहाँ के जो माहौल है, जो माहौल की चर्चा की जा रही है बदलने की, तो किस तरीके का माहौल है जो बदलने की चर्चा? देखो, 2007 में मैं आज़ाद के रूप से चुनाव लड़ा था, मैं यहाँ ये इलाके का मैं नगर सेवक रह चुका हूँ, आज़ाद नगर सेवक रूप से प्रपक्ष समिति चेयरमैन भी था दोनों, तो मुझे ये समस्या जो है विकास, यहाँ पे विकास हुआ नहीं,
कोई भी आमदार जो आए बैठे उन लोग ने विकास हुआ नहीं। जैसा प्रदूषण का मामला है, 60-60% लोग माता भगिनी छोटे बच्चे भी बीमार पड़ते, उसके तरफ इन लोग ने ध्यान नहीं दिया। तो मेरा पहला काम रहेगा प्रदूषण मुक्त मानकोर शिवाजीनगर विधानसभा मैं करूँगा। ये दोनों प्रकल्प आए तो दोनों प्रकल्प प्रदूषण को जो तकलीफ प्रदूषण उनके वजह से प्रदूषण है, जैसा डंपिंग है SMS कंपनी, ये प्रकल्प में एक साल के अंदर मैं ट्रांसफर करूंगा। पंडित साहब, जय लहू जी का टोपी लगाया है आपने, और मातंग समाज का किस तरीके का रिस्पॉन्स है आपके प्रति? देखो, जय लहू जी है, मातंग समाज जो है, ये झोपड़पट्टी बस रहता ना, जब से मैं इन समाज के साथ है, इसलिए मुझे समाज मेरा ही है और मैं समाज के साथ रहता हूँ। एक और सवाल, मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते किस मुसलमानों का किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहते हैं? देखो, याद करो, अगर 2007 में मैं आज़ाद चुनाव लड़ा ना, मेरा मतदार संघ मुस्लिम बांधव था, सब मुस्लिम बांधव ने मुझे जिता के दिया ना। आज भी मेरे को मुस्लिम बांधव, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सम धर्म संभव सब लोग बोलेंगे और मुझे एक मौका देंगे। सबको मालूम है कि एक ही है, एक ही स्थानिक है, वो सबके काम पे आ सकता है, उसका नाम है बुलेट पाटिल, तो मैं ही जीतूंगा। यानी कहीं ना कहीं बुलेट पाटिल एक चर्चित चेहरा है। तो बुलेट पाटिल चर्चित ही चेहरा है, इसलिए मैं मुझे मालूम है ना, इसलिए मैं कौन सा भी भाषिक लोग रहें दो, वो सबसे मेरा संबंध है और सब मुझे पहचानते, सबको मालूम है एक ही आदमी है, भले कौन सा ही पार्टी का रहें दो, आज तक का इतिहास है, जो भी पार्टी का आदमी रहेगा उसका जब काम होता नहीं तो वो मेरे पास आता है, मैं उसका काम करके देता हूँ।